टू डे आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर फोर एंड फाइव ओके क्वेश्चन आंसर फोर एंड फाइव बेटा यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर एपसी इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग ऑल्सो ओके बेटा एंड लर्न एंड ट्राई टू लर्न ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डिड ग्रांड पार रियून मैनी ऑफिस वाइट शर्ट्स इसमें बुलाया है कि कैसे ग्रांड पार ग्र जो नाना जी थे रून का मतलब होता है ख़राब कर देना मैनी मतलब कई ऑफिस वाइट शर्ट अपनी सफ़ेद जो शर्ट है वो किस कैसे वो ख़राब कर देते हैं ठीक तो है तो ग्रांड पार रिउंड यहाँ पर डिड है तो रिउंड जो आपका है वर्ब उसकी यह रिउंड हो जाएगा ई लग जाएगा रिन्ड या रियून में मैनी ऑफ हिज वाइट शर्ट्स बिकॉज ये क्वेश्चन में से आपका यहाँ तक हो गया बिकॉज ही वुड शेक हिज फाउंटेन पेन वेन इंक वुड नॉट फ्लो फ्रॉम इट प्रॉपरली मतलब वो क्या करते थे जब आ, आप पेन में से इंक ढंग से फ्लो नहीं होती थी तो उसको हिलाते थे ठीक है जब इंक नहीं पेन नहीं चलता था तो उसको हिलाते थे हिलाने पर क्या है फ्रॉम इट प्रॉपरली मतलब ताकि उसमें से इंक जो है अच्छे से प्रॉपरली फ्लो हो पाए लेकिन क्या होता था एंड द इंक वुड बी स्प्लैटर्ड ऑल ओवर हिज वाइट शर्ट इससे क्या होता था उनकी वाइट शर्ट में जो इंक होती थी वो बिल्कुल क्या होती थी फैल जाती थी ठीक है नाव क्वेश्चन नंबर फाइव आपका वट डिड नानी रिमेंबर एवरी टाइम शील लुकड एट हर पोर्लेंट टी पॉट मीन्स वट डिड नानी रिमेंबर क्या नानी को याद था एवरी टाइम हर बार शी लुकड जब वो देखती थी एट हर पोर्लेंट टी पॉट जो पोर्सलेंट टी पॉट था वाइट कलर का शाइनी जो था टी पॉड था वो उसको देख कर के हमेशा उन्हें क्यों देखती रहती थी टाइम शी लुकड एट हर पोर्सलेंट टी पॉट ठीक है न और नानी रिमेंबर याद रहता था उन्हें याद आता था जब वो देखती थी अपनी पर्सुलट टी पॉट को ठीक है एवरी टाइम नानी लुक डैट हर पर्सुलेंट टी पॉट या आएगा नीचे क्वेश्चन में से आपका आएगा वॉट डेट नानी रिमेंबर को छोड़ करके एवरी टाइम से लेके क्वेश्चन में से आपने एवरी टाइम इसमें आएगा एवरी टाइम शी की शी किसके लिए यूज हुआ नानी के लिए तो यहाँ पर आप नानी लिखेंगे लुक डैट हर पर्सलेंट टी पॉट शी वुड रिमेंबर दी हैप्पी ओकेजन क्या याद था उनको कई बहुत अच्छी हैप्पी ओकेजन मतलब कुछ ऐसे समारोह जिसमें खुशी वाले जो समारोह थे वो याद आते थे दैट शी ब्र्यूटी वो चाय बनाती थी इन इट उस पर चाय बनाती थी एंड शेयर और क्या करती थी शेयर करती थी किन को इट विद हर फ्रेंड्स एंड फैमिली अपनी फ्रेंड्स और जब उनके फ्रेंड्स आते थे जब फैमिली मेम्बर जब लोग इकट्ठा होते थे उस पर वो चाय बना करके उनको देती थी वो उनको बा वो उनको उसको देख करके ये याद आता था फॉर्चुल टीपोट को देख कर के उन्हें याद आता था ठीक है वट डी नानी रिमेंबर एवरी टाइम एवरी टाइम ना हर वक्त उन्हें क्या याद आता याद आता था जब वो परसलेंट टी पॉट को देखती थी वो एवरी टाइम नानी लुक डैट हर परसलेंट टी पॉट शी वुड रिमेंबर उनको याद आता था द हैप्पी ओकेजन बहुत अच्छे जो समारोह थे वो दैट शी ब्रू और वो बनाती थी चाय उसमें और शेयर करती थी विद हर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ओके बेटा ओके ऑल ऑफ़ यू हैव हैवे नाइस डे